हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बंद कली लहंगा बनाना सीखेंगे। इससे आप बंद कली का लहंगा, आठ कलियों का लहंगा या फिर कलीदार लहंगा भी बोल सकते हो। इससे हम बंद कली लहंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम कलियां तो बनाते हैं लेकिन कपड़े की पूरी कटिंग नहीं करते हैं। इसी के अंदर की ओर ही हमें कलियां बनानी होती है, सिलाई लगा के या फिर कटिंग करके, इसीलिए इसे बंद कली लहंगा बोलते हैं। इस तरीके का लहंगा तब बनाते हैं हम जब हमारा जो कपड़ा है वो बॉर्डर वाला हो, यानी कि अगर हमें लहंगा आड़ा बनाना होता है तब, ताकि इसमें बॉर्डर भी रह जाए और कलिया भी बन जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें बॉर्डर भी रखा है और नीचे की तरफ कैनवास की पट्टी लगाई है और इसमें आठ कलिया बनाई है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इससे ये कलीदार लहंगे की तरह दिखता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने बंद कली के वीडियोस बनाए लेकिन वो राजपूती कलीदार लहंगे, यानी कि उनके नीचे की तरफ मैंने मगजी लगाई। यहाँ पर मैं आपको बिना मगजी का लहंगा बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कपड़े का लेना है और लगभग यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा और ये हम नीचे की तरफ कैनवास पट्टी लगाने वाले हैं, वो भी लेनी है। सबसे पहले हमने कपड़े को सिंगल करना है और इंची टेप की मदद से हमें नापना है कि घेरा कितना लेना है। आप लगभग 2.25 मीटर या 2.5 मीटर का घेरा बना सकते हो, ठीक है। फिर 2.5 मीटर कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा पूरा कपड़ा 2.5 मीटर का है, ठीक है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो किनारी है वो थोड़ी खींची हुई है, तो उसे हमें निकाल देना है। अब इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड तो हमारा कपड़ा था ही, अब इसे ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए हमें 4 फोल्ड कर देना है। बराबर रखिएगा, नीचे की तरफ से कपड़ा बराबर रहना चाहिए जहाँ बॉर्डर है उस तरफ। अब इसे हम और फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है वो 8 तह में हो जाएगा। पहले हमने 2 तह में फोल्ड किया था, उसके बाद 4 तह में, अब ये कपड़ा 8 तह में फोल्ड हो गया है। 8 तह में फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा 8 कलियाँ कटिंग होगी, ठीक है। जो बॉर्डर है उस तरफ से आप कपड़े को बराबर रखिएगा। अब हम लहंगे की लेंथ निकाल लेते हैं। जो जितने भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 1/2 इंच कम कर दीजिए, सिर्फ 1/2 इंच कम करना है। ऊपर की तरफ चीन आएगी और नीचे पट्टी आएगी तो वो फिर से बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमारे लहंगे की लंबाई 40 इंच है तो यहाँ पर हम 39.5 इंच पर कट करते हैं। इस तरीके से आपको कटिंग करना है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने सेंटर निकाल लिया है। अब देखिए, हमारे जो कमर की साइज है वो है 36 इंच, तो हम कलियों की चौड़ाई ऊपर से लेंगे 3 इंच की, यानी कि जो हमने सेंटर का निशान लगाया है उससे 3 इंच इस तरफ और 3 इंच उस तरफ हमें निशान लगाना है, ठीक है। अब देखिए, हमें कलियां कहाँ तक कटिंग करनी है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आप नापिए, लगभग 26 या 27 इंच पर हम मार्क करेंगे। उस तरफ भी इसी पॉइंट पर मार्क कर देंगे, यानी कि बराबर दूरी पर हम कली कटिंग करेंगे। ज़्यादा नीचे तक आपको कटिंग नहीं करना और पूरा बाहर की ओर नहीं निकालना है, ठीक है। अब ऊपर वाले पॉइंट को जो हमने पॉइंट बनाया है यहाँ तक इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और मिला देंगे। पूरा नीचे तक कटिंग नहीं करना है, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे। अब इसे आप कट कर लीजिए, आराम से कट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कपड़ा 8 तह में है तो थोड़ा मुश्किल होगा कटिंग करने में क्योंकि मोटा हो गया है कपड़ा, ठीक है। बस जहाँ तक हमने निशान लगाया है ठीक वहीं तक हमें कटिंग करना है। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ लहंगा कटिंग होने के बाद किस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से नजर आएगा क्योंकि हमने इसमें बीच में से कट किया। अब इसके बीच बीच में हम सिलाई लगाएंगे, वो भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। अब लहंगे कटिंग करने के बाद ऊपर से जो कपड़ा निकला है वो लेना है हमें, क्योंकि वो लहंगे के घेरे के बराबर है। नीचे की तरफ पट्टी लगाने में वो बराबर काम आ जाएगा, ठीक है। उसी के बराबर हमें कैनवास की जो पट्टी आती है वो कट कर लेनी है। यहाँ पर हमने लगभग 1/2 इंच चौड़ी जो पट्टी आती है वो ली है, ठीक है, और लहंगे के घेरे के बराबर कट कर ली है। इस पट्टी से 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए फोल्डिंग के लिए और मार्जिन के लिए इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, यानी कि इस पट्टी से 1 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है और कट कर लेना है, ठीक है। बराबर दूरी पर कट कर लीजिएगा। ये इस तरीके से एक साइड में फोल्ड हो जाएगी और एक साइड में मार्जिन में जाएगी। अब हम नेफे की यानी कि चेन की कटिंग कर लेते हैं, जो कि लगभग हमें 4 इंच चौड़ी कट करनी है और लंबाई हमारी 36 इंच की। ये देखिए, इस तरीके से तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो 37 इंच के कट कर लेते हैं।
इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना और इसके ऊपर आयरन करके मदद से प्रेस करके चिपका लेना है। ठीक है, अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लहंगे के साइड की सिलाई लगाएंगे, यानी कि लहंगे को हमें गोल बना लेना है। तो जब हम साइड की सिलाई लगाते हैं तो लहंगे की हमें नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर कलिया क्या है कि दोनों साइड उरेब हो गई है, तो हमें कलियों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हमेशा क्या होता है कि हमारी जो कलियाँ होती है, हम जब कटिंग करके सिलते हैं तो एक साइड सीधी होती है और एक साइड उरेब होती है, तो उसमें ज़्यादा बेलन पड़ने का डर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ कलियाँ उरेब हैं, तो आपको आराम से स्टिचिंग करना है। अब ऊपर की तरफ साइड में हम चेन लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। ठीक है, साइड की सिलाई तो हमने नीचे से ऊपर की ओर लगाई है। अब जब हम सारी कलियों पर सिलाई लगाएंगे तो आपको ऊपर से नीचे की ओर लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, वरना आपकी कली छोटी बड़ी हो सकती है। इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए। आपको डबल फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है। अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे तो बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाएगी। सीधी सिलाई लगा के आप ओवरलॉक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कीजिएगा। दोनों तरफ कलियां रेब है, तो आपको पहले क्या करना है, इन कलियों को इस तरीके से फोल्ड कीजिए दोनों हाथ से। ये देखिए इस तरीके से, और आराम से सिलाई लगी। अगर आपने बिल्कुल भी खींच लिया तो इस कलियों में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और बहुत ही ख़राब तरीके से आपकी कलियाँ जॉइंट होगी, तो आपको आराम से जॉइंट करना है। अब देखिए, जहाँ तक हमने कट कर रखा है वहाँ तक तो हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना है, लेकिन उसके बाद भी हमें लगभग 3-4 इंच पर थोड़ी सिलाई लगानी है, एकदम कपड़े को पतला पतला कम कम करते हुए। इससे क्या है कि बाहर की ओर एकदम अच्छी फिनिशिंग आएगी, वरना ऐसा लगेगा कि कोना निकल आया बाहर की ओर। ये देखिए इस तरीके से एकदम प्लेन कपड़ा लगना चाहिए। ठीक है, सारी कलियों पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। आराम से कलियों को फोल्ड कीजिएगा, बिल्कुल भी ना खींचे इन्हें। इस तरीके का लेंगे हम बॉर्डर वाले कपड़े में ज्यादातर बनाते हैं। इससे क्या है कि बॉर्डर भी बराबर बन जाता है और कलियां भी अच्छे से बन जाती है। ये देखिए, हम जहाँ तक कट कर रखा है वहाँ तक तो सिलाई लगाएंगे फोल्ड करके, लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़ी दूरी में सिलाई लगानी है। इसीलिए हमने कलिया जो है वो पूरी नीचे तक कटिंग ना करके थोड़ी ऊपर तक कट की थी। ठीक है, अब हम साइड में जिप लगा लेते हैं। तो पहले जो हमने दोनों तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसे हम फोल्ड कर लेते हैं, जहाँ ऊपर की ओर मैंने सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम जिप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसे रखिए कि ये बाहर की ओर दिखाई ना दे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हिडन चैन नहीं है, तो हम नॉर्मल वाली चैन ही लगा रहे हैं। इस तरीके से आप जिप को रखिए कि अंदर की ओर लगे, दिखाई ना दे बाहर की ओर ज़्यादा। ठीक है, एक साइड सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड भी लगा लेंगे। इस तरीके से आप दोनों साइड सिलाई लगा के जिप को अच्छे से अटैच कर दीजिए। देखिए, ज़्यादा किनारे पर सिलाई नहीं लगानी है, पास में, ताकि जिप आसानी से बंद हो जाए। अब हमें ये कैनवास पट्टी को देखिए, कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया। इसे हम लगाएंगे, पहले हम नेफा अटैच कर लेंगे, तो उसको हमें एक साइड से फोल्ड कर लेना है। फिर चेन लगाने के लिए देखिए, हमें नेफे को नीचे की तरफ रखना है और उसके ऊपर लहंगा रखना है। लगभग 1/2 इंच कपड़ा आपको सिलाई में ले लेना है। और यहाँ पर हमने बिना जुन्नट वाली कलिया कट करी है, तो आप सीधी लगा दीजिए बिना जुन्नट करके। फिर हम इस जेफे को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे, लगभग 1/2 इंच चौड़ा हमें इसे फोल्ड करना है। बराबर फोल्ड कर दीजिए। पहले आपको चेन को फोल्ड करना है, उसके बाद लहंगे को हल्का सा खींच लीजिए। इससे क्या है कि चेन में कोई बेलन नहीं पड़ती है, उसमें सलवटें भी नहीं आती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फोल्ड कीजिएगा और चेन को पीछे की तरफ से पकड़ते हुए रखिएगा। ये हमारा नेफा अटैच हो गया। अब हम बॉर्डर अटैच कर देते हैं। अब साइड की जो सिलाई है वहाँ से हम बॉर्डर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप साइड में इसे रखिए इस तरीके से, और कैनवास के पास पास में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने पेस्टिंग वाला बुकरम लिया था, इसे सिलाई लगाना आसान होता है। इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, जस्ट पास में आप किनारे पर सिलाई लगा दीजिए और बराबर कपड़ा आप सिलाई में लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने इसे जॉइंट भी कर दिया। अब हम सारे कपड़े को एक साइड में करेंगे,
जो भी हमने सिलाई में लिया और जो भी कैनवास का कपड़ा है, देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर की ओर हमें सिलाई लगा देनी है ताकि जो सारा कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। ठीक है, उसके बाद हमें पट्टी को फोल्ड करना है। तो आप लहंगे को इस तरीके से उल्टा कीजिए और कपड़े को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए पट्टी को फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर इसमें कोई बेलन नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर हमने एक तो पेस्टिंग वाली बुकरम ली और जो हमारा लहंगा है वो भी सीधा है, इसलिए फटाफट फोल्ड हो जाएगी। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि जो कपड़ा है वो अंदर की ओर न चले जाए, यानी कि उसे अपने हाथ की मदद से देखिए इस तरीके से बाहर की ओर लाइएगा और फिर एकदम किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। हमने बॉर्डर भी अटैच कर दिया है। ये हमारा लहंगा बनकर रेडी है। ये देखिए बॉर्डर अच्छे से अटैच हुआ है, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा लहंगे का। और ये हमारा लहंगे का लुक कुछ इस तरीके से आया। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कलियों में एकदम अच्छे से फिनिशिंग आई है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कोना निकाल दिया। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बॉर्डर की मदद से आप देख सकते हैं लहंगे का लुक बहुत ही अच्छा हो गया है।